जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी मिक्सचर्स बेस्ड, जो रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपस में यानी कि कोई ना कोई मिश्रण होता है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि हमारा चाय का है, ठीक है। तो चाय में सबसे ज्यादा क्वांटिटी पानी की होती है और दूध की होती है, चीनी की होती है। तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है उसका एक पीक वैल्यू निकालनी होती है, उसे हम मिक्सचर्स में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिक्सचर्स में पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि क्रय मूल्य जो है वो 22 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। इन व्हाट रेशियो शुड एन आर्टिकल ऑफ 25 kg per kg बी सोल्ड बाय मिक्सिंग एन आर्टिकल ऑफ 20 rupees per kg सो दैट The cost of the price of the mixture is 22 rupees per kg। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो पच्चीस रुपए की चीज थी, एक जो थी, एक वस्तु 25 रुपए प्रति किलोग्राम, कितने की, 25 रुपए प्रति किलोग्राम केजी की है, ठीक है जी। की वस्तु 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण जो है वो 22 रुपए किलोग्राम रहे, यानी कि केजी रहे। यानी कि जो मैंने आपसे कही थी बात कि पीक वैल्यू होती है, यानी कि दोनों की नहीं, कॉमन वैल्यू होती है, इसकी और इसकी कॉमन वैल्यू इतनी बन जाए। तो यानी कि इसका मतलब हो गया बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आया, 3 का, और इसका डिफरेंस कितना आया, 2 का। कितने का आ रहा है, 1 आया है 2 का और 1 का आ रहा है 3। और इन्होंने सवाल में क्या पूछा हुआ है, किस अनुपात में मिलाई जाए। तो अनुपात ये क्रिएट हो गया, 2:3 में मिलाई जाएगी, तो जो है वो 22 रुपए रहेगी। तो 22 रुपए इसकी आपस में कॉमन वैल्यू थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीका आपके लिए दिया मैंने। और ये हमने तरीके जो हैं वो कहाँ कहाँ लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे भी यही टाइप चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हम यही लगाते हैं, पार्टनरशिप में भी हमने कई बार यही ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। बहुत से हमने प्रश्न ऐसे किए हैं जिसमें हमने यही तरीके से क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से किए हैं। अब वीडियो को देखिए, सभी वीडियोस देखिए, आपके काम आएंगे सभी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए 15 रुपए दोनों का कॉमन है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, वही तरीका है। आप एक बार आप ट्राई मार के देखिए, अपना कोशिश करके देखिए, सभी कोशिश करिए। देखिए 12 1 का 18, अब इन दोनों का जो कॉमन है वो है 15 हो जाए, तो 15 आपस में क्या हुआ, कॉमन हुआ, ठीक है भैया बच्चे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 का। आप बोलोगे सर 12 - 15 करने की 15, बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कभी भी मिशन जीरो नहीं होता ना, माइनस में थोड़ी हो सकता, जीरो चलो ठीक है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। तो कितना आ गया जी, 3:3। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3:3 इसका आंसर होगा, नहीं बच्चों, अगर ये आपस में कट रहा है तो 1:1 भी आप आंसर देंगे, ना कि 3:3, क्योंकि ये एक ही टेबल से, एक ही मतलब डिजिट से कट रहे हैं, अगर नहीं कट रहे तो सही है,
ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं आपको 3:9 आता है तो 3 बन जाती है 3, 3 जा 9, तो 1:3 आपका आंसर होगा, ना कि 3 और 9 होगा। तो थोड़ा सा अपना खास ख्याल रखें और मेरी पूरी बात को जो है दिमाग में डाल लें जी। अगला सवाल, 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम की दो वस्तुओं को मिलाकर किस अनुपात में, ठीक है, मिलाकर 22 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाए कि 25% की हानि हो। हानि भी लेनी है, जरूरी है ये हानि बोल रहे हैं। तो लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो ट्राई मारिए। सबसे पहले हमने जो है 21 रुपए की चीज है और 25% की हानि हो रही है, ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी। सीपी यानी कि अब बंदे ने क्या किया, 21 रुपए में बेची है, हानि कितनी हुई है 25 की, तो 75 रहेगी और गुणा 100, इससे जो है दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, चाहे इसका हो चाहे इसमें बेची हो, किसी पर भी बेची हो, उसका कॉमन जो है वो कॉस्ट प्राइस यहां से मिल जाएगा। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 चौके 28। आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, आईना जैसा कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखिए अब इन दोनों का जो है कॉमन क्या आया बच्चा, 25 30, ये था कॉमन, हमने 28 निकाल लिया, कितने का फर्क पड़ रहा है। अब देखिए 28 में से 25 3 28 और ये 2, तो अनुपात में हुआ ना कन्वर्ट, याद रख लेना क्रॉस में होना है, याद रख लेना क्रॉस में करना है, ठीक है। ओह उल्टा लिख दिया मैंने, मैंने ही उल्टा लिख दिया था और कुछ नहीं है, आपसे बताया मैंने सही है। देखिए 25 और ये 28 कितने आए थे, 3, और ये कितने आए, 2, 2:3 ही आंसर होगा, कितना होगा 2:3 आंसर होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आंसर जो है और क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम रहेगा, अब ध्यान से करिएगा, 20% लाभ लेना है व्यक्ति ने और 18 रुपए किलोग्राम पर बेचा है, ठीक है, 20% लाभ लेना है तो 18 पर बेचा है तो कितना हो गया, 120, सही है ना बेटा, और गुणा 100 किस चीज का है, वो परसेंटेज का है सर, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, ट्राई करिए अब, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से गया और 5 दिए 15 आ गया, 5 दिए 15 आ गया है, तो 10 ये आ गए, 16 ये आ गए, 15 इनका कॉमन आ गया, बोलो समझ आ गए। अब माइनस करो, 15 माइनस 10, 5 ही आए, इसको इससे माइनस करना था, ठीक है, कितना आया, 1 आया, तो अनुपात कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, अनुपात में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, सही है क्वेश्चन। तो वीडियो को आपने लाइक करना मेरे भाई, ये आपका काम है, ठीक है, और एप्लीकेशन को भी शेयर करना है, लोगों में बताना है, अवेयरनेस डालनी है हमारी एप्लीकेशन के माध्यम के लिए, कि सभी बच्चे जो हैं वो अवेयर हों, और फ्री शिक्षा मतलब मात्र कुछ ही पैसे देके जो हैं आप इसे अपने मैथमेटिक्स को जो हैं वो परफेक्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ, और किसी भी एग्जाम्स लेवल के लिए, चाहे आप सीपीओ के लिए जाएं, सीजीएल के लिए जाएं, एसएससी के लिए जाएं, अग्निवीर हो, पुलिस हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपको विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशंस के ऊपर हमारा जो है वो सब्जेक्ट चॉइस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल हैं जिनका अनुपात ये दिया हुआ है और उन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, मिश्रण का पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए या मिलाया जाए कि दोनों का जो अनुपात है वो 7:6 हो जाए, ठीक है, होता है, तो बताओ अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे।
इस प्रकार से करेंगे। ये क्वेश्चन आपको मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं वो पहले भी करवाए हैं परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है जी। वहीं से ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल अलग उठकर आए हैं और कुछ नहीं है। 72 किलोग्राम का टोटल है, चावलों का अनुपात यह है, कितना है चावल 7 और 5, 7 5 टोटल हो गया 12, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो एक का अनुपात निकाल लेते हैं कि 72 किलोग्राम में जो है 7 वाले की कितनी रेशियो है, यानी कि कितने किलो है, और 5 वाले कितने, करिए 7 करिए, 7 बटा 12 गुना 72। काट लीजिए जी, काटिए काटिए, सभी ट्राई करिए, 6 से जाएगा, ठीक है जी। 7 6 48 और इसी प्रकार से 5 बटा 12 गुना 72, इसका आ गया 30। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया जी, सभी देखिएगा, सभी देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इतना आपको क्लियर है तो आगे हम चलेंगे। 42 बेटा गलती से हो गया होगा, 48 की जगह 42 है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है जी। और दोनों 6 से जा रहे हैं, 6 5 30 और 6 7 42, यानी कि 7:5 देखिए फिर से बन रही है ना रेशियो, ठीक है। मगर अभी हमें जो है वो रेशियो नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, इनका क्वांटिटी की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम इसकी रेशियो को मैं डिलीट कर रहा हूं, बट यह है कि आपको किस चीज की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत है। तो क्वांटिटी जो है वो कितनी आ गई बेटा, 42 और 30 आ गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। आगे इन्होंने कहा है कि पहला चावल, जो पहला वाला चावल है, उसमें से कितना कम किया जाए, यानी कि 42 में से कितना कम किया जाए। तो दूसरा तो ऐसे रह जाएगा कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 7:6, यानी कि 7/6। ये पहले वाले का आ गया, ये दूसरे वाले का, तो वो आमने सामने लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्लियर कर लीजिए कितना हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 6 24 1 25 210 इक्वल टू 6x, 2a आगे 4a आगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भैया, 7, कितना आ गया जी, 7 आ रहा है, ठीक है जी। तो उन्होंने पूछा भी यही था कि कितना कम किया जाए, तो कितना कम किया जाए, 7 किलो जो है वो कम किया जाए, तो ये अनुपात जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बढ़िया। ए और बी दो वस्तुएं हैं और 120 किलोग्राम की है, ठीक है। ए और बी की रेशियो दी हुई है और ए में कितनी बढ़ाई जाए, वही सेम सवाल आ रहा है और उनका अनुपात ये हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, 2:3 टोटल अनुपात कितना हो गया, 5 क्वांटिटी निकाल लो, 2/5 गुना 120, 3/5 गुना 120, 5 से काट दो। समझ आया है कि नहीं आया है ये भी जरूर बताना, इसको भी काट लो, 4 3 12 और 1 6 72। तो ये रेशियो भी निकाल सकते हो आप, क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। इस वक्त हमने जो कन्वर्ट किया है वो क्वांटिटी पे किया है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब हमने क्या बोला है, हमें इसकी क्वांटिटी ए की, यानी कि ए आपको पता ना, ये ए है ये बी है, ठीक है।
तो ए में यानी कि 48 को कितना बढ़ाया जाए, यानी कि प्लस एक्स ओवर 72, ठीक है जी, कि उसका अनुपात कितना बन जाए, 3:2 बन जाए, 3/2 बन जाए। क्लियर है क्वेश्चन, कितना क्लियर हो रहा है जरूर बताओ। ठीक है, अब इसको क्लियर करिए, 2x 48 × 96 इक्वल टू 216, 2x इज इक्वल टू 216 माइनस 96, 2x इज इक्वल टू 0, ये आ गया। बार तो x की वैल्यू कितनी आई, 60, और 60 ही इसका सही आंसर है, ग्राम्स में है इसलिए मैं इसको भी ग्राम्स में लिख रहा हूं, नहीं तो केजी होता तो केजी में लिख देना था और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जरूर बताएं, सभी बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे आपके लिए जो कि एलिगेशन मिक्सचर के रिलेटेड है, और एलिगेशन का मिक्सचर का मैंने ये रहा था तो मैंने बोला बता देता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सेम सवाल रहेगा फिर से, 150 केजी मिश्रण का है, अनुपात ये है, दूसरी दाल, पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था, पहले वाले ही पूछ रहे थे, अब क्या है दूसरे वाले, पर है सेम, बढ़ाना है घटाना है वो एक ही बात है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए 2:3 है कि टोटल अनुपात कितना हुआ, 5 सर, तो 2/5 टोटल क्वांटिटी 150, 3/5 गुना 150, इस एक की क्वांटिटी 60 आ गई और दूसरे की क्वांटिटी कितनी आ गई, 90। अब बोले दूसरे वाले की, ये है दूसरे वाला, है ना, ठीक है, तो पहले वाला तो सेम टू सेम ही लिख दो, दूसरे वाले में से आप क्या करेंगे, कितनी मात्रा घटाई जाए यानी कि माइनस एक्स की, वो अनुपात क्या जाए, 3:2 हो जाए। समझ आया कि नहीं आया, 120, 270, 3x, 270 माइनस 120, 3x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 75, और ये है केजी में, तो इसलिए 75 केजी ही आपका आंसर रहेगा, पर कहीं पे मिस्टेक हुई है, अच्छा मैंने 2 से कर दिया, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, इतनी सी चलती है, ठीक है जी, 3 से जाएगा ना, 3×5=15, तो 50 केजी हुआ ना, ठीक है, 50 केजी इसका सही आंसर होगा। अब बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, वीडियो अगर अच्छी लगेगी ना तो ही आपने इसको लाइक करना है, अगर आपको नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दो, कोई इशू नहीं है, मगर आपको ये देखना है कि मुझे कितना क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ट्राई करिए, 2 धातुएं हैं 80 किलोग्राम की हैं, दोनों का अनुपात ये है, दूसरी धातु, मैंने पहले से बताया पहली धातु वाला बताया था, अब दूसरी धातु वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, को कितनी बढ़ाया जाए यानी कि प्लस एक्स करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है, 5 और 3 टोटल हो गया 8, क्वांटिटी निकाल लेते हैं, 5/8 × 80 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1/50 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 30 निकल गई जी क्वांटिटी। अब बोला है दूसरे वाले की, यानी कि पहला ऐसे रहने देना, दूसरे की क्वांटिटी कितनी बढ़ाई जाए कि वो अनुपात कितना हो जाए, 5:4 यानी कि 5/4। अब कर लीजिए एक्स की वैल्यू निकाल लो, अब बोलो क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ आए हैं, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमने जो है वो किए हैं, और 10 किलोग्राम जो है मैंने आंसर भी आपका जो है वो पूरा का पूरा प्यारे बच्चे मैच करता हुआ निकाल के दिया,
कैसा लगा ये क्वेश्चंस जरूर बताओ, आप जरूर बताएं आप, क्योंकि आप बताएंगे आपके प्रोत्साहन से ही हम और ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सकता हूं और आपकी ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो करवाने की मेरी भी कोशिश और ज्यादा रहेगी। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और आपने इस क्वेश्चन को परफेक्ट करना है आप, ठीक है। और ये आपका होमवर्क में भी हमारी तरफ से रहेगा और सभी ट्राई करेंगे और वीडियो में भी आप कमेंट करके भी डालेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस कितने समझ आए हैं और क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको समझ के सॉल्व जरूर करें और नहीं तो आप क्लास दूसरी हमारी जो है फॉलो करें, जो कि विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।